हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं द केन्जियन डिमांड फॉर मनी, जिसको कि हम लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। तो केन्ज ने इस थ्योरी को डेवलप किया और इस थ्योरी का जो डेवलपमेंट हुआ वो उनकी बुक में हुआ था, जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 के अराउंड में ये बुक जो है वो डेवलप हुई आई थी, और इसी पूरी की पूरी बुक में जो केन्ज ने अपने आर्थिक विचारों को दिया, इकोनॉमिक जो थॉट है वो दिए। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी के द्वारा डिसाइड होती है। और ये भी उन्होंने बताया कि जो भी एक तरीके से जो डिटरमिनेशन होता है, ये एक तरीके की मॉनेटरी फेनोमेनन है, मतलब एक तरीके से मौद्रिक घटना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिमांड फॉर मनी क्या होती है, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हो। देखिए, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास, मैं सिंपल पेन ले लेता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास असेट्स है जिसका की प्राइस है 100 रुपीज का। अब उस 100 रुपीज को वो दो हिस्सों में रख सकता है, या तो वो बॉन्ड बाय कर सकता है, या वो क्या कर सकता है, कैश रख सकता है। अब हो सकता है कि उस समय जब डेवलपमेंट हुआ हो इस थ्योरी का, उस समय यही दो ऑप्शन थे। तो हम सिंपल मान लेते हैं कि या तो वो बॉन्ड रख सकता है या वो कैश रख सकता है। अगर मान लीजिए कि वो बॉन्ड लेता है, तो बॉन्ड जो होते हैं, मान लीजिए 1 ईयर बॉन्ड है, 1 ईयर का बॉन्ड है, तो 1 ईयर का जो बॉन्ड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए 1 ईयर का बॉन्ड है जिसकी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस ये क्या आमतौर पर जो बॉन्ड होते हैं वो इशू होते हैं एट डिस्काउंट और रिडीम होते हैं एट पार। यानी कि 100 रुपीज़ का मान लीजिए बॉन्ड है तो आपको वो 90 रुपये में मिल जाएगा, तो जो बीच का जो डिफरेंस है 10 रुपये वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है जी, इस तरीके से आप मान लीजिएगा। तो अब वो क्या कर सकता है, एक तरीका तो ये है कि वो सारे के सारे पैसा बॉन्ड में लगा दे, 100 के 100 रुपये बॉन्ड में लगा दे। लेकिन उस केस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि उसकी जो लिक्विडिटी है पैसे की, यानी कि जो वो सामान खरीदने में खर्च करता है, वो टीवी खरीदता, फ्रिज खरीदता, या सब्जी खरीदता, दूध खरीदता, अब वो नहीं खरीद पाएगा। लेकिन अगर वो सारा का सारा पैसा कैश रख दे तो डेफिनेटली वो कैश भी नहीं खरीद पाए। कैश रखेगा तो कैश रखने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कैश रखने से उसको उस इंटरेस्ट रेट का लॉस हो जाएगा जो उसको बॉन्ड में मिलता, लेकिन अब उसे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पैसा लिक्विड रखा हुआ है। तो कहने का बच्चों सिंपल मतलब ये हुआ कि इस परिस्थिति में, यानी कि जिस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे ना तो वो सारा का सारा पैसा लिक्विड रखेगा, ना सारा का सारा पैसा कैश रखेगा। तो आखिरकार वो कितना लिक्विड रखेगा ये कौन डिसाइड करेगा, लिक्विडिटी कितना रखेगा ये कौन डिसाइड करेगा। यही समझाने का काम उन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में किया। यानी कि दो फैक्टर होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ऐसे लिखते हैं इसको, L इज द फंक्शन ऑफ Y एंड I। इसका मतलब ये थ्योरी बताती है कि जो लिक्विडिटी डिमांड है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो हमारी इनकम पर, दूसरा हमारी इंटरेस्ट रेट पर। किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों केन्ज ने मुद्रा के जो काम है, मुद्रा के कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे एक्सचेंज होता है, स्टोर होता है, तो उन्होंने दोनों फंक्शन लिए। उन्होंने कहा कि मनी का जो काम है वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, ताकि हम भविष्य में जो बॉन्ड है वो बाय कर रहे हैं इसलिए ताकि मनी उसको स्टोर किया जा सके, और एक्सचेंज भी कर रहे हैं, दोनों फंक्शन को लिया। तो तीन उन्होंने मनी के काम बताए। पहले मैं आपको मनी डिमांड बता देता हूं। द डिमांड फॉर मनी इज द डिजायर होल्डिंग फॉर फाइनेंशियल असेट्स इन फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज कैश और बैंक डिपॉजिट रेदर देन बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड ना बाय करके आप क्या कर रहे हो, पैसे को कैश रख रहे हो, पैसे को बैंक में रख, बैंक में नहीं कैश मान लो, कैश रख रहे हो। तो उस कैश को रखने को ही हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। यानी कि अपनी असेट्स को आपने लिक्विड फॉर्म में रखा ताकि आप जब चाहे तब खर्च कर सकते हो, इसी को लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी उन्होंने कहा। तो लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी तीन पर्पस के लिए की जाती है, ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रकॉशनरी पर्पस और स्पेकुलेटिव पर्पस। तीनों के बारे में बच्चों मैं आपको इस वीडियो में डिटेल कराने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें ट्रांजैक्शन पर्पस। देखिए कोई व्यक्ति डेली खर्चा होता है, कमाई कभी कभी होती है, खर्चा डेली होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो उसके लिए उसको कोई ना कोई पेमेंट करना पड़ेगा। उस पेमेंट करने के लिए वो क्या करेगा, पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखना चाहेगा। तो पहली वजह आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि आपको ट्रांजेक्शन पूरा करना है, आपको कोई ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है, उस ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको पेमेंट देना होगा। और ये कई सारी बातों पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का लेवल कितना है,
इनकम और एक्सपेंडिचर में टाइम गैप कितना है, इसके अलावा आपकी जो एक्सपेंडिचर हैबिट्स कितनी है। तो यहां पे ये इसको हम बोलते हैं LT, यानी कि लिक्विडिटी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन, और ये फंक्शन होता है इनकम का। और मैं यहां पे पॉजिटिव लिख देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम ज्यादा हुई तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी कम होगी। डायग्राम की बात करें बच्चों, तो हम यहां पे जो डिमांड डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं इंटरेस्ट रेट के बेस पर, यानी कि बेस जो हमारा है वो इंटरेस्ट रेट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, और यहां पे हम लिख रहे हैं डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी कौन से पर्पस के लिए, फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, ठीक है जी। तो इस केस में इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इसको बोलते हैं LT, लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, यानी कि इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दूसरा है बच्चों प्रिकॉशंस। देखिए प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब है परिस्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, आसमान टूट सकता है, हड़ताल हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इनकम को अपने पास सिक्योर करना चाहेगा, उस सिक्योरिटी के लिए इसको बोला गया प्रिकॉशनरी पर्पस, यानी कि भविष्य जोखिम और अनिश्चितता से भरा हुआ है। और प्रिकॉशन के लिए भी वो कितना पैसा रखेगा ये भी डिपेंड करता है, एक तरीके से इसको हम बोल रहे हैं LP। इसका मतलब यह हुआ कि यह भी डिपेंड करता है हमारा इनकम पर, यानी कि इंटरेस्ट रेट से यह प्रभावित नहीं होता। मैं यहां पे लिख देता हूं, यह फंक्शन है और पॉजिटिव फंक्शन है। इसका मतलब बच्चों सिंपल सी बात यह हुई कि अगर आपका जो डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी आपके प्रिकॉशनरी डिमांड से। इन दोनों को जोड़कर उन्होंने इसको M1 कहा, मैं यहां पे लिख देता हूं जो छोटा सा, यानी कि M1 क्या हो गया आपका, सॉरी L1 क्या हो गया आपका, LT प्लस LP। और ये क्यों इसको L1 बोला गया, क्योंकि दोनों के दोनों इनकम पे डिपेंड करते हैं। दूसरा है बच्चों स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव का मतलब ये हुआ कि आप मनी की डिमांड क्या करोगे वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि जो हमारी डिमांड है, डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, ये किस पे डिपेंड करेगा, इंटरेस्ट रेट पर। अब बच्चों यही समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट भी हम आपको कराएंगे। तो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करने का मतलब यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी लिक्विड वो भी ज्यादा होगी, यानी कि अगर डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, मतलब ये हुआ इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी विल बी ऑफ लिक्विड विल बी हाई, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, लेस कैश रखोगे, यानी कि आप बॉन्ड क्या करोगे, ज्यादा बाय करोगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉन्ड ज्यादा बाय करोगे जब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट, अच्छा चलिए मैं आपको एक बार अच्छी समझा देता हूं यहां पे, फिर हम उसके बाद आपको करेंगे। यहां पे एक कंसेप्ट है हमारा, रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। देखिए इसको आप समझिएगा, मान लीजिए बॉन्ड का जो प्राइस है, बॉन्ड प्राइस हम मान के चल रहे हैं कि बॉन्ड का प्राइस 50 रुपए है, 80 रुपए है, 90 रुपए है और 98 रुपए है, ठीक है जी। इस केस में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट करने की प्रयास कर रहे हैं, यानी कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड पर, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी केसेस में 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब है इस केस में आपने कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, आपने 50 रुपए का बॉन्ड खरीदा, 100 रुपए का बिका, इसका मतलब 100 रुपए का 100 में से 50 माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 50 से, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 100%, यानी कि 100% का प्रॉफिट हुआ। आपने कोई चीज 80 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में बिकी, तो इसका मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको डिवाइड कर दिया 80 से, तो इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो हो गया 25%। अगर 90 रुपए का हो जाता, यानी कि 10 को डिवाइड करेंगे 90 से,
तो आपका जो आंसर आता है वो लगभग 11.1% के आसपास आता है। 98 का मतलब है 2 को 98 से डिवाइड करेंगे, या मान लीजिए 95 रह जाता तो 5 को 98 से डिवाइड करते तो आपका आंसर आता लगभग 4.9% के आसपास। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने आपको अंदाजे से बता दिया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर बॉन्ड प्राइस हाई है, सॉरी बॉन्ड प्राइस लो है, लो है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा। और लोग क्या करेंगे, मोर डिमांड फॉर बॉन्ड, मोर डिमांड फॉर बॉन्ड। मैं आपको देखिए इसके एक यहीं पे समझा देता हूं, एक टेबल को लेके देखिए। मान लीजिए ये हम प्रकॉशनरी मोटिव की बात कर रहे हैं, चलिए वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका जो डिमांड कर्व है वो किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का LS यानी कि इंटरेस्ट रेट से ये नेगेटिवली रिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हम लिक्विड रखेंगे ज़्यादा, लेकिन एक समय के बाद ये इस तरीके का ट्रैप ले लेता है। मैं आपको समझाऊंगा बच्चों लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में, इसको बोलेंगे LS। ओके बच्चों, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो आपका डिमांड फॉर लिक्विड मनी ज़्यादा होगी। अब बच्चों लिक्विडिटी ट्रैप के कंसेप्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए हमने कहा एल टी यानी कि ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए, एल पी प्रकॉशनरी पर्पज के लिए, और लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए। तो ये इस तरीके का डायग्राम था, ये इस तरीके का डायग्राम था इसका, और जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए होता है वो डायग्राम इस तरीके का है ऐसा। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये डायग्राम जो है वो इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का L। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ओवरऑल मनी डिमांड का डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बन जाएगा। एक समय के बाद जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मुझे ना कम से कम 5% इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। अगर 5% से कम मिलेगा तो मैं किसी भी तरीके से पैसे को लिक्विड नहीं रखूंगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट 50% था तो मैंने 20 रुपये लिक्विड रखे, इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि 80 रुपये के बॉन्ड मैंने बाय किए थे इस वाले केस में। जब इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर के 25% रह गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में मैंने क्या किया, ये डायग्राम से आप इस तरह की तरफ मत देखिएगा, बेसिकली मतलब स्लोप इसके जो गैप है उसको फोकस मत कीजिएगा। मैंने 30 रुपीज़ लिक्विड रखे, जब बॉन्ड जो है वो 90 रुपीज़ का हो गया यानी कि इंटरेस्ट रेट 10% रह गया तो मैंने क्या किया 70 रुपीज़ को लिक्विड रखा। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट 5% से नीचे आया मैंने सारा का सारा पैसा लिक्विड रखने का प्रयास कर लिया। मैं आपको एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, अगर डायग्राम में कोई कन्फ्यूज़न आपको रह गई हो तो। देखिए दोबारा आप समझ लीजिए बच्चे बहुत ध्यान से, कि जब इंटरेस्ट जब आपको मिल रहा था इंटरेस्ट रेट 100% तो आप केवल 20 रुपये को लिक्विड रख रहे थे, ठीक है जी। जब आपका इंटरेस्ट रेट 50% हो गया तो आपने लिक्विड रखना शुरू कर दिया 40 रुपये। जब आपका इंटरेस्ट रेट 10% हो गया, ये 25% हो गया सॉरी, जब आपका इंटरेस्ट रेट 11% हो गया तो आपने क्या किया 70 रुपये आपने लिक्विड रखे। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट 5% हुआ, इस केस में आप किसी भी तरीके से पैसे को नहीं रखोगे, इसका मतलब आप 100 के 100 रुपीज़ को लिक्विड रखोगे। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और जैसे ही जिस पॉइंट पे वो टच करता है वो लिक्विडिटी ट्रैप ले लेगा, इस तरीके का डायग्राम। यानी कि डायग्राम किस तरीके का बनेगा, पहले गिरतेगा गिरेगा 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 और लास्ट में जाके एक सीधा हो जाएगा, इसको बोलते हैं मनी डिमांड। तो बच्चों लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप उस कंडीशन को बोला जाता है जहां पर बॉन्ड का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है,
इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से अब पैसे को बॉन्ड में लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सारा का सारा पैसा लिक्विड रखा जाएगा और इस बात का इंतजार किया जाएगा कि जब बॉन्ड का प्राइस गिरेगा तब उसे खरीदा जाए, क्योंकि जब बॉन्ड का प्राइस गिरेगा तभी आपको इंटरेस्ट रेट ऊंचा मिलेगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं आपको